नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। मैं अशोक कुमार आज आप लोगों को कंप्यूटर में डिस्कस करने वाला हूँ MS वर्ड को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को और देखते हैं MS वर्ड को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, अब MS वर्ड को स्टार्ट करने के तरीका क्या है, कैसे आप MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होना कंपलसरी है। अगर आपके कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो उसमें से MS वर्ड का आइकन फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आपके डेस्कटॉप पे बना हुआ हो, जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आइकन बना रखा है, तो आप इसको यहाँ से भी अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक किया मैंने इस एप्लीकेशन पे तो ये आपके सामने MS वर्ड खुल के आ गया। अब MS वर्ड का जो पेज है वो आप किस तरह का यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ लेआउट्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट वे। अगर डेस्कटॉप पे आइकन नहीं बना हुआ है तो फिर आप MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, एक सेकंड कमांड में आपको बता देता हूं। आपको रन पे जाना है। कंप्यूटर्स के अंदर जब आप रन पे जाएंगे तो रन के लिए विंडो प्लस आर की यूज होती है आपकी, रन, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे विन वर्ड, WINWORD। विन वर्ड टाइप करके आपको कंप्यूटर से एंटर प्रेस करना है तो MS ऑफिस का जो ये टूल है MS वर्ड, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप यहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप पे आपका आइकन बना हुआ है तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका और भी है, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ जो ये इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो सबको शो करता है। यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा MS ऑफिस, तो हम सर्च कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 मेरे में इंस्टॉल्ड है। हो सकता है आपके कंप्यूटर पे डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल्ड हो। MS ऑफिस के अंदर अगर देखा जाए तो ऑफिस 2003 भी हो सकता है, 2007 भी हो सकता है आपके पास, या फर्दर कोई लेटेस्ट वर्जन्स भी हो सकता है, कई सारे वर्जन्स आगे भी आ चुके हैं। तो मेरे पास MS ऑफिस 2013 इंस्टॉल है तो इसमें हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था MS ऑफिस के अंदर मेनली चार टूल आप यूज करते हैं। MS एक्सेस, एक्सेस की अगर बात की जाए तो ये डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे जाके। एक्सेल, एक्सेल्स, और तीसरा पावर पॉइंट आता है आपका इसमें से पावर पॉइंट, और फर्दर टूल है आपका MS ऑफिस। इसके सिवाय भी कुछ अदर्स टूल्स आजकल फीचर्स आपको नए नए देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम इन सभी टूल में से MS वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना MS वर्ड। तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये मैंने आपको तीन तरीके बताए कि MS वर्ड को कैसे ओपन करना है कंप्यूटर्स के अंदर। अब इस पे काम करने की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। यहाँ से जैसे ही आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे जो एक पेज नजर आ रहा है तो यहाँ पे अब आप काम कर सकते हैं। इस एरिया को जो आप नोट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक ब्लैंक पेज है। यहाँ पे कुछ आपको अदर्स टूल दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन सा टूल कैसे काम करेगा और किसको किस नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर जो ये आप रेड बटन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार मतलब यानी किसी भी फाइल का जो आप नाम सेव करेंगे ये उसका एक टाइटल बार है और वो आपको यहाँ पे सेव करे शो करेगा। सॉरी, अब यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं, मेनली अगर हम इन तीन आइकन्स की बात करते हैं तो ये है आपका क्लोज बटन, यानी MS वर्ड को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपका क्लोज हो जाएगा। सेकेंड बटन आपके सामने जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो इस बटन की अगर हम बात करते हैं ये क्या काम करेगा, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। अभी जैसे ही आप देखेंगे यहां से मैं क्लिक करता हूं तो ये आपके एप्लीकेशंस का साइज छोटा हो गया है। अब इसको अगर आपने फर्दर बड़ा करना है तो यानी रिस्टोर पे आप इसके क्लिक करेंगे, यहां से मैक्सिमाइज ये बड़ा हो जाएगा, एक पेज आपको पूरा शो करता है। थर्ड आता है मिनिमाइज, यानी जो ये पेज आपका खुला हुआ है, एप्लीकेशन जो खुली हुई है आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं,
मिनिमाइज और क्लोज, यहाँ से जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज और क्लोज दोनों में डिफरेंस है, ये अभी यहाँ से एप्लीकेशंस बंद नहीं हुई है, ये स्पेशली आपको नोट करना है। मिनिमाइज और क्लोज में फर्क क्या है? क्लोज वाली जो एप्लीकेशन है यानी वो आपकी फाइल को ही क्लोज कर देता है, वो फाइल आपकी बंद हो चुकी है। मिनिमाइज में डिफरेंस क्या है मिनिमाइज और क्लोज में? मिनिमाइज अभी भी आपकी फाइल खुली हुई है, बट वो नीचे टास्क बार पे आके आपके नीचे शो होगी, यहाँ पे टास्क बार पे रखी हुई है। अब यहाँ से दोबारा अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, फाइल आपकी एज इट इज है। तो इसमें सबसे पहले हम काम करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी लेटर लिखना है, कोई रिज्यूम वगैरह बनाना है, या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है, आपको किसी भी प्रकार की जो फाइल बनानी जो आप लिखना चाहते हैं वो आप इस पे लिख सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर अब हमें काम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं जिसपे हम अपने टूल्स वगैरह यूज कर सके। तो एमएस ऑफिस के अंदर एक डिफॉल्ट आपको कमांड मिलती है, जहाँ से बाय डिफॉल्ट आपको एक पैराग्राफ टाइप मिल जाएगा जो टाइप करने की हमें जरूरत नहीं है, और ये आता है आपका इक्वल रेंट ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आपको मिल जाएगा जो एमएस वर्ड की तरफ से टाइप मिलता है। अब हम सपोज कीजिए जो भी आपने अपना काम करना है, जो भी टेक्स्ट फाइल्स आप तैयार कर रहे हैं, अपना टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ से लिख सकते हैं, या लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, अब सबसे पहले आता है कि अपने डॉक्यूमेंट को आप सेव करें। तो सेव करने के लिए आपको करना क्या है, फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे जाने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि इस फाइल को आपको किस लोकेशन पे सेव करना है। लोकेशंस अगर देखा जाए मीन्स कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी आपकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं, आपने हार्ड ड्राइव के अंदर कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस फाइल्स को जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहिए, अगर ये आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे देता हूँ कि अपनी फाइल को आप कहाँ सेव कर सकते हैं और अपने डेटा को लॉस होने से बचाया जा सकता है। तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ, माई कंप्यूटर्स के अंदर जाके मैं इसको डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट के अंदर सेव नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने बताया था। मैं हमेशा अपने फाइल्स को सेव करने के लिए क्या करूंगा, सी ड्राइव को छोड़ के कंप्यूटर्स के किसी भी ड्राइव पे मैं इसको सेव कर लूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर्स के अंदर यहाँ पे ड्राइव है, कौन कौन सी ड्राइव की अगर मैं बात करता हूँ तो सी ड्राइव, इसमें मुझे सेव नहीं करना। मैं डी ड्राइव या ई ड्राइव दोनों में से इस फाइल्स को कहीं भी सेव करना पसंद करूंगा। तो मैं चलिए इसको ई ड्राइव पे सेव कर लेता हूँ। ई ड्राइव पे अब मैंने सिलेक्ट किया कि ई ड्राइव पे इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। चलो लोकेशन चूज की हमने कहाँ पे सेव करना है, इसके बाद हमें इस फाइल का नाम देना है कि मुझे ये फाइल किस नाम से सेव करनी है। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम टाइप कर देता हूँ, फाइल का नाम है फर्स्ट डॉक्यूमेंट। मैंने अपनी फाइल का नाम दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आप अपनी फाइल का जो भी नाम देना पसंद करें तो अपनी फाइल्स का नाम दीजिए और आप इसको सेव कीजिए। मैं फिर से दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, सेव करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप अपने फाइल को कहाँ पे सेव कर सकते। ये मैंने सेव किया, अब जो भी वर्क किया है ये फाइल आपकी सेव हो गई है कंप्यूटर में कहाँ पे, जिस लोकेशन पे आपने इसको सेव किया। चलो पहले हम देख लेते हैं कि ये फाइल कहाँ पे बनी और कैसे दिखाई दे रही। मैंने यहाँ से मिनिमाइज किया, अब जैसा कि मैंने बताया कहाँ सेव करना है, मैंने अपने कंप्यूटर्स के अंदर जाना माई कंप्यूटर में। अगर मैं माई कंप्यूटर की बात करता हूँ, ये मैंने लोकेशंस ओपन कर रहा हूँ, माई कंप्यूटर को ओपन किया और माई कंप्यूटर्स के अंदर मैंने आपको बताया दिस पीसी और यहाँ पे ई ड्राइव। ई ड्राइव के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये मेरी फाइल बन के आ गई है जो हमने अभी क्रिएट की है, तो यहाँ पे ये फाइल बन के आ गई है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कैसे आपको इस पे वर्क करना है। अब इस टेक्स्ट में सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस क्लिप बोर्ड के अंदर तीन टूल आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट है आपका कंप्यूटर
कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट कैसे यूज किया जाता है, तो चलिए सबसे पहले मैं कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने यू कैन आल्सो टाइप ए कीवर्ड टू सर्च, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से कट पे क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया ये टेक्स्ट यहां से गायब हो गया, यानी यहां से ये कट गया। अब इस टेक्स्ट को जहां भी आप पेस्ट करना चाहें वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और यहां से जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट आपने यहां से कट किया था वो यहां पे आपने पेस्ट कर लिया है। काम होता है कट का, कहीं से डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई भी टेक्स्ट वगैरह अगर आपको कट करना है, गलती से आपका टाइप रॉन्गली टाइप हुआ है या फिर वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड है, कोई भी टेक्स्ट अगर आपको यहां से गायब करना है तो आप उसको कट कर सकते हैं। दूसरा आता है कॉपी। कॉपी में भी क्या करना है आपको, कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड के अंदर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सपोज कीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया और यहां से आप कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, ये वर्ड जो आपने सिलेक्ट किया है अब कॉपी हो गया। तो अब करना क्या है, कॉपी को भी आप चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं, तो यहां पे जाके पेस्ट कीजिए। अब आप नोट कीजिए दोनों ही वर्ड जो मैंने कट किया वो भी पेस्ट हुआ, कॉपी किया वो भी पेस्ट किया, दोनों ही अगर पेस्ट होते हैं तो हम कॉपी क्यों ना करें और कट क्यों करें। दोनों में डिफरेंस मैं आपको फिर से बता देता हूं, कट और कॉपी दोनों को ही पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कट जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके कट करते हैं वो वहां से गायब हो जाएगा, यानी वहां पे नहीं रहेगा, और कॉपी वाला टेक्स्ट जो आपने किया है जिसको सिलेक्ट करके कॉपी किया था वो टेक्स्ट वहां एज इट इज रहेगा, लेकिन उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी, और दोनों को आप पेस्ट कर सकते हैं जैसे आपकी जरूरत है। कट कॉपी पेस्ट, अगर इन तीनों की मैं शॉर्टकट की बात करूं तो कीबोर्ड में काफी सारे शॉर्टकट्स आप यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहले बात की मैंने कट करने की, कट का शॉर्टकट आपका आता है जैसे ये आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट कर सकते हैं, यानी कट करने की शॉर्टकट की क्या है आप नोट कीजिएगा, कट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एक्स, ये आपकी शॉर्टकट की है कट करने के लिए। अगर मैं बात करता हूं कॉपी के लिए, कॉपी की शॉर्टकट की होगी आपकी कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका कॉपी हो गया, और पेस्ट करने के लिए फिर आता है आपका कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट का शॉर्टकट रहेगा कंट्रोल प्लस वी। कट कॉपी पेस्ट तीनों का शॉर्टकट, अगर आपको शॉर्टकट अच्छे से याद हो जाते हैं, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो कंप्यूटर में वर्क करना काफी आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट टूल आपका क्या क्या काम कर सकता है। फॉन्ट के अंदर अगर देखा जाए सबसे पहले ये है आपका फॉन्ट नेम, यानी जो ये राइटिंग स्टाइल वगैरह है ये कौन से स्टाइल में, यानी किस फॉन्ट को आप यूज करके लिख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से दिए जाते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉन्ट दिए हुए हैं, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। एरियल ब्लैक जैसे मैंने यूज किया तो देखेंगे आपका ये टाइप जो लिखने का स्टाइल है वो यहाँ से डिफॉल्ट स्टाइल की अपेक्षा यहाँ पे अलग से नजर आ रहा है। अब यहां से जो भी आपको फॉन्ट लेना है वो आप लेके यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको गिवन है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या काम करता है, यानी किसी टेक्स्ट का साइज अप या डाउन आपको करना है तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां से फॉन्ट का साइज आप यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू सामने आपको दिखाई देता रहेगा, जितना छोटा बड़ा आपको करना है आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं।
बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे इसका जो साइज गिवन होता है मिनिमम 8 आता है और मैक्सिमम आपका 72 आता है। कई बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है मिनिमम या बाय डिफॉल्ट या फिर मैक्सिमम फॉन्ट साइज एमएस वर्ड के अंदर क्या गिवन होता है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आपको 8 मिल रहा है। 9 10 मिनिमम 8 शो करेगा, मैक्सिमम 72 शो करेगा। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। तो जनरली आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखेंगे बाय डिफॉल्ट या फिर नॉर्मली जो फॉन्ट साइज यूज होता है वो 12 आपका यूज होता है। ठीक है, यहाँ से ये डिफॉल्ट जो आया था आपका इसका फॉन्ट साइज कितना था, 12। तो अगर आपको अप डाउन करना है तो आप यहाँ से चूज करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा कि भी मुझे अपना फॉन्ट साइज 8 लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है, 24 लेना है, तो इसमें एक थर्ड मेथड आता है। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और ये जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो यहाँ से आप इस पे जितने टाइम्स आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा, जहां आपको लगता है कि हाँ मुझे ये साइज चाहिए आप इसको सिलेक्ट करते रहिए, टिक टिक करते जाएंगे इसका साइज अप होता जाएगा और सामने है डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज, यानी इस फॉन्ट का साइज आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये इफेक्ट तभी अप्लाई होंगे जब आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे नेक्स्ट आता है चेंज केस। अगर हम चेंज केस की बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं देखूं चेंज केस क्या चेंज करना है, यानी जो फॉन्ट का जो आपने यहाँ पे स्टाइल लिया हुआ है, ये फॉन्ट यानी जो टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है इसका केस चेंज करना है, कैसे केस चेंज करना है, क्या केस चेंज करना है। सपोज कीजिए आपने कीबोर्ड से इसको टाइप किया और टाइप करने के बाद आपको पता चला कि मुझे ये टोटली कैप्स लेटर में लिखना था, तो कैप्स लेटर में लिखना है और आपने गलती से इसको स्मॉल में लिख दिया है, तो इसको अब दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, चेंज केस करके आप इसको यहाँ से बड़े साइज में यानी अपर केस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पांच केस आपको गिवन होते हैं। फर्स्ट आता है सेंटेंस केस, सेकेंड है लोअर केस, थर्ड है अपर केस, फोर्थ है कैपिटलाइज ईच वर्ड और फिफ्थ है टगल केस। मैं इन सब का आपको मीनिंग समझा देता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है कि जब तक आपका सेंटेंस चलेगा उसमें सिर्फ सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट कैप होता है, कैप्स होता है, बाकी सब आपके स्मॉल रहेंगे। सेकेंड आता है आपका लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा, यानी सभी अल्फाबेट आपके सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में स्मॉल होंगे। चलो पहले मैं इनको साथ के साथ आपको यूज करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं अपर केस में। अब आप गौर से देखिएगा यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट आपको शो कर रहा है ये सब अपर केस में है, इसमें से कोई भी अल्फाबेट आपको यहाँ पे छोटा नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं यहां से केस को, जैसा कि ये हुआ अपर केस। अब मैं इसमें से सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापस चलता हूँ चेंज केस पे। भाई सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर टोटली अल्फाबेट आपके कैप्स में है यानी बड़े में लिखे हुए, अगर आप चाहते हैं कि ये सब स्मॉल में आ जाए तो यहाँ से लोअर केस सिलेक्ट कीजिए और ये सभी अल्फाबेट आपके स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था और जिस पे अप्लाई किया मैंने वो सब आपके स्मॉल में आ चुके हैं। अब थर्ड आता है आपका टगल केस। अगर हम टगल केस की बात करते हैं, यहां से मैंने सिलेक्ट किया सेकंड लाइन को और एंड तक जितना भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे ये सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। थर्ड पे गए यहां से और देखेंगे आप सेंटेंस केस हम यूज कर चुके हैं बाय डिफॉल्ट, नहीं तो एक बार लास्ट में फिर हम देखेंगे इसको लोअर केस अपर केस। यानी पहले आपने क्या किया था, मैंने जो भी एक पैराग्राफ था इसमें से सभी टेक्स्ट को कन्वर्ट किया अपर केस में, अपर से फिर कुछ टेक्स्ट को मैंने दिखाया कि लोअर केस में, यानी कैप्स वाले अल्फाबेट को आप स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर सकते हैं। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पे हर किसी वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट आपको यहाँ पे कैप्स देखने को मिल रहा है।
केस क्या करता है कि जैसे अभी आपने ऊपर देखा था सेंटेंस केस का अपोजिट आता है, यहाँ पे टगल केस के अंदर हम क्या करते हैं, यानी सेंटेंस का यानी वर्ड का फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो आपका स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैप्स में रहेंगे। इसको कैसे यूज करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप वापस जाएंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे टगल केस। तो अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पे वीडियो का वी स्मॉल आ गया है। अगर मोर देन वन आपके सेंटेंस अगर आप लेते हैं तो यहाँ से एक बार दोबारा से अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ टगल केस। अब आप देखेंगे वैन का डब्ल्यू स्मॉल आ गया, ऑनलाइन का ओ छोटा आ गया, वीडियो का वी छोटा हो गया। तो आप टगल केस के अंदर इसको ऐसे यूज करते हैं। अब ये थे आपके यहाँ से केस, तो हमने पांच केस देखे। पांच केस कौन कौन से हैं, सेंटेंस केस है आपका। सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है, यानी सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट आपका कैप्स रहेगा, जब तक डॉट नहीं आएगा सभी अल्फाबेट आपके स्मॉल आएंगे। नेक्स्ट है आपका लोअर केस, अगर टेक्स्ट आपका कैप्स में लिखा हुआ है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको स्मॉल यानी छोटे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर केस, अपर केस क्या काम करेगा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट अगर आपको कैपिटल करना है, बड़ा करना है, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका टगल केस, टगल केस क्या करता है, वर्ड का या फिर सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट आपको स्मॉल करके देगा, बाकी सब आपके कैप्स में रहेंगे। तो ये था चेंज केस। चेंज केस के बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता आपका बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। ये कुछ फॉर्मेट के टूल हैं। फॉर्मेट के टूल की अगर हम बात करें तो एक नया पेज ले लेते हैं हम दोबारा से और फिर इस पर बात करते हैं आगे। वही कमांड में फिर से टाइप कर रहा हूँ, रेंड, ये आ गया बोल्ड। बोल्ड क्या करता है, यानी जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बी पे क्लिक करते हैं, यानी ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड में क्या करता है, टेक्स्ट आपको डार्क दिखाई देता है। सेकंड है आपका इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, इसको इटालियन फॉर्मेट में यानी इटालियन भाषा में आपको लिख के देता है। यानी क्या होगा, अगर गौर से देखें थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग आपकी आ जाती है, दिस इज कॉल्ड इटैलिक। और थर्ड है आपका अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या होगा, लाइन के नीचे से यानी सॉरी जो आपके वर्ड्स हैं इनके नीचे एक लाइन लग जाती है। तो ये तीन फॉर्मेट आते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर इनकी शॉर्टकट की अगर मैं बात करता हूँ तो बोल्ड के लिए आपके पास शॉर्ट की है CTRL, यानी Ctrl+B। ये क्या करेगा, बोल्ड का काम करेगा, Ctrl+B बोल्ड। अगर आपको इटैलिक करना है, इटैलिक की शॉर्टकट की रहेगी आपकी Ctrl+I, इटैलिक। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन, Ctrl+I। तो ये तीन शॉर्टकट की यहां पे आपकी बन गई, बोल्ड के लिए Ctrl+B बोल्ड और इटैलिक के लिए Ctrl+I इटैलिक, और अंडरलाइन के लिए क्या किया आपने, Ctrl+U। और तीन शॉर्टकट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी और तीन आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तीन पहले कौन सी यूज की थी हमने, कट कॉपी पेस्ट, कट, कट के लिए हमने यूज किया था Ctrl+X। नेक्स्ट थी आपके पास कॉपी, कॉपी के लिए आपने की यूज की थी Ctrl+V। कट कॉपी और पेस्ट, पेस्ट की शॉर्टकट की हमने क्या यूज की थी, Ctrl+V। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर यहीं पे देखा जाए तो चलिए इन टूल्स की ओर बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो नेक्स्ट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के अंदर क्या काम करते हैं, यानी जो भी टेक्स्ट है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके बीच में से लाइन लग जाएगी। अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू में डिफरेंस है, अंडरलाइन जब आप करते हैं तो वो टेक्स्ट के नीचे आती है, नीचे शो करता है, और थ्रू आउट यानी ये बीच में से लग के आती है। ठीक है, नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट।
ये क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जैसे H2O आप लिखते हैं या 2 की पावर 2। अब देखिए हमें क्या करना है, मैं कहता हूं H2O लिखना है आपको, H2O। अगर H2O की बात करें, H2O ऐसे तो नहीं, 2 जो होता है ये आपका पावर में यानी ऊपर निकला हुआ होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है जो ऊपर की साइड लगता है। तो आप यहां से, ये है सुपर स्क्रिप्ट, अब गौर से देखिए 2 आपको ऊपर शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सबस्क्रिप्ट यानी ये डाउन साइड लिखना है, डाउन साइड लिखना है तो आप यहां पे हमें क्या करना है, मैं ए जो है इसको बॉटम पे यानी सबस्क्रिप्ट बनाना चाहता हूं, तो यहां से आप इसको क्लिक करके, तो यह आता आपका सुपर स्क्रिप्ट। अब फिर यहां से आपको टेक्स्ट के इफेक्ट की अगर बात की जाए, टेक्स्ट में कैसे इफेक्ट वगैरह लगाना है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं, यहां से टेक्स्ट के इफेक्ट ले सकते हैं। लेकिन इस सेक्शंस को हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आगे चल के इसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप बेसिक्स नॉर्मल टूल्स की हम बात करते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह हम चल के नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे ये दोनों ही फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टेक्स्ट हैं, या फिर फ़ॉन्ट का कलर वगैरह अगर चूज करना तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आगे चल के हम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जब बात करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट ही आपको ब्लैक कलर मिला है, अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से अपना मनपसंद कलर ले सकते हैं, जिस कलर में आप फ़ॉन्ट को शो करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये ब्लू है आपका, या फिर इनका कोई कलर दूसरा सिलेक्ट करना है, तो आप कलर यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जिस भी क्लिक कलर पे आप क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट आपका वैसा ही शो करेगा। ये कुछ कलर्स आपको यहाँ पे थीम कलर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए, तो आप यहाँ से मोर कलर पे जाइए और यहाँ से आप अपना कलर ले सकते हैं, यहाँ से कलर चूज कीजिए जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ से जैसे मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके आप उस पर अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट वैसा ही आपका बन जाएगा। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट यहां से और यहां से जाएंगे मोर कलर, मोर कलर पे जाके आप अपने कलर यहां से चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे अदर्स टूल के बारे में। थैंक यू।